हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। राज्यसभा से तीन तलाक बिल पास होने के बाद अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। तीन तलाक बिल के खिलाफ बना मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल अब औपचारिक रूप से कानून बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। ये कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा। इस कानून के तहत अब एक साथ तीन तलाक देना कानूनन अपराध है और इसके लिए 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बता दें कि जब बिल राज्यसभा से पास हुआ था तब राष्ट्रपति ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए इसका स्वागत किया था। राष्ट्रपति ने ट्विटर पर लिखा, राज्यसभा में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल के पारित होने से तीन तलाक की अयापूर्ण परंपरा के प्रतिबंध पर संसदीय अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ये महिला पुरुष समानता के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है, पूरे देश के लिए संतोष का क्षण है। तीन तलाक के खिलाफ पीड़ित या परिवार के सदस्य ही दर्ज केस करा सकेंगे। FIR दर्ज होने पर बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकेगी। इसके साथ ही आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे सकेगी। पत्नी का पक्ष जानने के बाद मजिस्ट्रेट जमानत देंगे। मजिस्ट्रेट को सुलह कराने का अधिकार भी होगा। तीन तलाक का केस दर्ज होने बाद फैसला होने तक बच्चा माँ के संरक्षण में रहेगा। इसके साथ ही पति को पत्नी और बच्चे के लिए गुजारा भत्ता देना होगा। तीन तलाक बिल पास होने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत करते हुए कहा कि कुप्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में डाला गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, एक पुरातन और मध्यकालीन प्रथा आखिरकार इतिहास के कूड़ेदान तक ही सीमित हो गई है। संसद ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया और मुस्लिम महिलाओं के लिए की गई ऐतिहासिक गलती को सही किया। ये जेंडर जस्टिस की जीत है और इससे समाज में समानता आएगी। आज भारत खुश है, पीएम ने कहा, पूरे देश के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों की जीत हुई है और उन्हें सम्मान से जीने का हक मिला है। सदियों से तीन तलाक की कुप्रथा से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिला है। इस ऐतिहासिक मौके पर मैं सभी सांसदों का आभार व्यक्त करता हूँ।